गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी का आज हम टॉपिक ले रहे हैं, दैट इज कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेजिस्टर्स। हेडिंग लिखिए कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेजिस्टर्स। अब हम कार्बन रेजिस्टर्स क्यों यूज़ कर रहे हैं? पहले हमारे पास कार्बन रेजिस्टर्स नहीं थे, पहले हम एलोयस को यूज़ कर रहे थे इन प्लेस ऑफ कार्बन रेजिस्टर्स। एलोय क्या होता है? सभी को पता है कि इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। दूसरा, हमने जो डेरिवेशन की थी, दैट इज़ रो इज इक्वल टू एम अपॉन एन स्क्वायर टो। आज का टॉपिक है आपका, पहली बात तो कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेजिस्टर्स। हमने कार्बन रेजिस्टर्स ही क्यों यूज़ किए? पहले आप एलोयज यूज़ कर रहे थे, एलोयज, इसमें आप यूज़ करते थे नाइक्रोम, मैंगनीन, कॉन्स्टेंटन, इन एलोयज को यूज़ कर रहे थे। क्यों यूज़ कर रहे थे हम एलोयज? क्योंकि इनकी जो रेजिस्टिविटी है, दैट डजंट डिपेंड अपॉन और नॉट इफेक्टेड बाय टेम्परेचर। इनकी जो रेजिस्टिविटी है वो टेम्परेचर के थ्रू इफेक्ट नहीं हो रही थी। तो फिर क्योंकि हमने वहाँ पे देखा था रो इज इक्वल टू एम अपॉन एन स्क्वायर टो, चार्ज कॉन्स्टेंट है आपका, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सिर्फ ये टो रिलैक्सेशन टाइम पे डिपेंड कर रहा है, तो इसकी जो रेजिस्टिविटी है वो टेम्परेचर से इफेक्ट नहीं हो रही थी। बट इसमें एक लिमिटेशन थी। लिमिटेशन क्या थी? कि रेजिस्टेंस इतना हाई था कि उसको प्रैक्टिकली ऑब्टेन करना काफ़ी डिफ़िकल्ट था। रेजिस्टिविटी इज वेरी हाई, कांट ऑब्टेन प्रैक्टिकली। अब हमें प्रैक्टिकल करना है तो उसमें जो रेजिस्टेंस की वैल्यू वो इतनी हाई तो हमें ऑब्टेन करनी मुश्किल हो जा रही थी, इसलिए हमने क्या लिए, कार्बन रेजिस्टर यूज़ करने स्टार्ट किए। रेजिस्टेंस तो हमें अब भी हाई चाहिए, कार्बन रेजिस्टर्स अब कमर्शियली यूज़ हो रहे हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट क्या आपके पास, कि आपके पास एक तो इनका रेजिस्टेंस क्या है, काफ़ी हाई है, वेरी हाई रेजिस्टेंस। सेकंड क्या है इसमें, कि इनका जो साइज है दैट इज़ वेरी स्मॉल, दीज आर कॉम्पैक्ट इन साइज। साइज स्मॉल होने के कारण अगर आप रेजिस्टेंस की वैल्यूज पे लिखते हो, वो ना तो लिखनी पॉसिबल है और ना ही उसको देखना पॉसिबल है। कांट सी और राइट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। सो हम क्या करते हैं, कोडिंग ऑफ दीज रेजिस्टर्स। अब जैसे आपके पास ये मान लो एक कंडक्टर है, तो इस कंडक्टर में कितने बैंड्स होंगे? 4 बैंड्स होंगे। उसमें से जो फर्स्ट 2 बैंड्स हैं वो आपका नंबर बताएंगे, इसको आप 4 बैंड भी बोल सकते हो, कई बुक्स में इसको रिंग्स भी बोला जाता है। और जो थर्ड होता है वो आपको क्या बताता है, मल्टीप्लायर बताता है, ठीक है। और जो एंड वाला होता है वो आपको क्या बताता है, इसकी टॉलरेंस बताता है। अब इनकी कोडिंग की कैसी जाती है? कोडिंग के लिए आपके पास कुछ कलर्स हैं, कंडक्टर में कुछ कलर्स होंगे, उनके बेस पे आपको उसकी रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है उसको चेक करना है, कि इसमें जो ये कंडक्टर है या ये रेजिस्टेंस कितनी वैल्यू का है। फर्स्ट आपके पास कलर होता है इसमें ब्लैक, नेक्स्ट होता है आपके पास ब्राउन, नेक्स्ट होता है आपके पास रेड, नेक्स्ट होता है ऑरेंज, नेक्स्ट होता है आपका कलर येलो, नेक्स्ट होता है ग्रीन, नेक्स्ट ब्लू, नेक्स्ट इज योर वायलेट, नेक्स्ट होता है आपका ग्रे, एंड लास्ट वन इज योर कलर व्हाइट। अब उसमें से फर्स्ट एंड सेकंड हमने क्या बोला है, कि वो क्या बताएगा, नंबर बता रहा है, तो आप डायरेक्ट इसको 0 से नंबरिंग शुरू कर दोगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। नेक्स्ट आपको क्या बताया मैंने, थर्ड क्या बता रहा है आपके पास, थर्ड बैंड और मल्टीप्लायर के बारे में बता रहा है, और ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बता रहे हैं, दैट इज 10 इज टू पावर बता रहे हैं ये।
10^5, 10^6, 10^7, 8 एंड लास्ट वन इज 10^9। और फोर्थ आपको क्या बताया गया है, इट टेल्स अस अबाउट द टॉलरेंस। इसमें आपके पास थ्री कलर्स हैं, दैट इज या तो गोल्ड हो सकता है, सिल्वर और अदरवाइज नो कलर। इट्स टॉलरेंस इज +-5%, +-10% एंड लास्ट वन इज +-20%। अब आपको इस चार्ट के अकॉर्डिंग इसकी मुझे रेजिस्टेंस बताइए। इट्स कलर इज ब्राउन, इट्स कलर इज ग्रे, इट्स कलर इज वायलेट एंड इट हैज सिल्वर कलर। बताइए मुझे इसकी रेजिस्टेंस कितनी है इस कंडक्टर की। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग ब्राउन की कितनी है 1, ग्रे का कितना है आपके पास 18, वायलेट का कितना है हमारे पास, ये मल्टीप्लायर बता रहा है ना आपका, देन वायलेट इज योर 10^7 +- सिल्वर इज योर 10%। तो आप क्या बोलोगे कि रेजिस्टेंस कितना है 18 × 10^7 ओम +- टॉलरेंस इज 10%। सिमिलरली अगर मैं अगेन आपके पास एक कंडक्टर लूँ और उसमें आपको बोलूँ इसका जो लास्ट कलर है दैट इज योर गोल्ड कलर, दिस इज योर रेड, दिस इज योर वाइट एंड दिस इज योर ब्राउन कलर, देन फाइंड इट्स रेजिस्टेंस। देन रेड के लिए आपके पास 2 है, वाइट के लिए हमारा 9 है, ब्राउन के लिए हमारा कितना है दैट इज 10^1 ओम +- गोल्ड की टॉलरेंस कितनी है 5%। अब इसको आप ये तो इजिली लर्न हो जाएंगे, नंबरिंग है 0 to 9, ये भी इजली लर्न हो जाएंगे, 10^5 है, टॉलरेंस 5, 10 एंड 20 है। इन कलर्स को थोड़ा लर्न करना है आपको, तो इसके लिए आपके पास कोड है दैट इज BB Roy, ये कोई पर्सन है ठीक है। कहाँ गया ये पर्सन, ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन हैज, उसके पास क्या है, वेरी गुड वाइफ। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। इसको अगर लर्न करना है वैसे तो इजी है, इसको लर्न करना लिखना आप ले सकते हो वियर गोल्ड सिल्वर नेकलेस, बी से ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, जी आर से लर्न रखिए, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट, बियर गोल्ड सिल्वर नेकलेस से नो कलर। थैंक यू।